घर में ऑरेंज जूस बनाने का बहुत आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली फ्रेंड्स एंड आवर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आमीन। आज ही मैं बनाने जा रही हूँ ऑरेंज जूस। बहुत आराम से ये ऑरेंज जूस घर पे बनाया जाता है और आप लोग को जिस तरीके से मैं बताती हूँ इस तरह से आप लोग भी घर पर ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने कुछ ऑरेंज लिए हैं और इनको अब मैं सेंटर में से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से करके मैंने इनको दरमियान में से काट लिया है। अब इन तमाम ऑरेंज का हम लोग जूस निकालते हैं। आपके पास ऑरेंज जूस निकालने की मशीन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस तरह की प्लास्टिक बॉडी की मशीन बाज़ार से ले आनी और ये बहुत आराम से और बहुत ही कम रेट पर बाज़ार से मिल जाती है। अब इस तरह से करके हम इसके ऊपर ऑरेंज को रखते हैं और इसको तमाम साइडों से घुमाते हैं और इसका जूस इसके अंदर निकाल लेते हैं। ऑरेंज जूस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस और ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज जूस पीने से और ऑरेंज खाने से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इस तरह से अब हम लोग अपने तमाम ऑरेंज जूस को इसके ऊपर रखते हैं और घुमाते हैं और इस तरह से हम लोग ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं। ऑरेंज जूस जो है वो मोटापे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऑरेंज जूस का और माल्टे का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ऑरेंज जूस को आप दिन में दो दफ़ा बनाकर पिया करें। अगर आप दो दफ़ा नहीं बनाकर पी सकते तो दिन में एक दफ़ा बनाकर ज़रूर पिया करें। अब इस तरह से करके हम लोग ये तमाम अपने ऑरेंजेस का जूस निकाल लेते हैं और इसके बीज जो हैं वो हम लोग अलग निकाल देंगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल जूस है, इसके अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यह जूस हमारा किस तरह से बन गया है। ये देखिए, हमारा जूस इस तरह से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है जी मैं काला नमक डाल देती हूँ और इसको इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप लोग चीनी लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसके अंदर 2 चम्मच जो है चीनी इस्तेमाल करूँगी और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद अब इसको मैं एक ग्लास के अंदर डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार हमारा जो ऑरेंज जूस है वो तैयार हो चुका है। आप लोग भी इस तरह से घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।